हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर दोबारा से हम आपके साथ आ चुके हैं और मेरा नाम विकास है। आप सभी जान चुके हैं और आपको पता ही है कि आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो नए चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दमदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। बोरियत नहीं करेंगे कि हम बोर हो जाए शुरू में ही। बोर नहीं, हम करेंगे बिल्कुल बहुत तबियत से स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं सिक्स्थ चैप्टर है और सिक्स्थ चैप्टर क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ट्वेल्थ क्लास में है अंतरराष्ट्रीय संगठन। बट दोस्तों, हम कुछ आज ना इंट्रो करते हैं इस चैप्टर का कि आखिरकार इस चैप्टर में है क्या, ताकि हम आज ना ओवरऑल समझते हैं कि ओवरऑल में इस चैप्टर में है क्या, ताकि हमें एक क्या मिल पाए, व्यू मिल पाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। पहले बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं। आपने दो तरीके के संगठन सुने होंगे, एक होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन और एक होता है क्षेत्रीय संगठन। तो क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है? चलो, अगर आपको नहीं भी पता है तो हम आपको बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में अंतर क्या होता है। देखो, एक होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, और एक होता है क्षेत्रीय संगठन। तो इन दोनों में एक मार्जिनल सा अंतर होता है, छोटा सा ही अंतर होता है, ज्यादा बड़ा सा अंतर होता नहीं। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन में अंतर सा ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, तो ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व की स्थितियों के अनुसार कार्य करता है या फिर विश्व के लिए कार्य करता है। वहीं जब हम क्षेत्रीय संगठन की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं? कुछ देशों को मिलाकर अपने निजी मसलों या निजी मामलों को सुलझाने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उनको हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जैसे आपने कुछ क्षेत्रीय संगठन अभी अभी पढ़ के आए हो, फोर्थ चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा ना। यस, अगर आपने फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा और वहां से जाके आप देख सकते हैं कि फोर्थ चैप्टर में कौन कौन से है। रफ मैं आपको बता देता हूं, आपने यूरोपीय संघ पढ़ा, आपने आसियान पढ़ा। ये जो संगठन है ये कौन से? क्षेत्रीय संगठन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें अंतर क्या है। ये संगठन सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ये विश्व स्थितियों में इतना ज्यादा गौर नहीं करते। जबकि विश्व संगठन के रूप में कौन है? वर्ल्ड के अंदर है विश्व संगठन के रूप में यूएनओ। तो यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो किसी एक राष्ट्र के लिए काम नहीं करती दोस्तों, वो पूरे विश्व के लिए काम करती है, और ऐसा काम जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो, और अगर वो ना करे तो भी पूरा विश्व प्रभावित हो। तो ऐसे कोई भी संगठन जिसके करने और ना करने के वजह से पूरे विश्व में प्रभाव फैलता हो, ऐसे संगठनों को ही हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये तो समझ लिया कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों में और क्षेत्रीय संगठनों में अंतर क्या है। अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठनों के बाद वर्ल्ड के अंदर यूएनओ जो है, हमारा वर्ल्ड के अंदर कौन है? हमारा जो यूएनओ है उस यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और न्यूयॉर्क कहां पे है? अमेरिका का एक शहर है, बहुत ही फेमस शहर है, देखते ही बनता है अपने आप में। तो मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यूएनओ का पुराना नाम क्या है, तो यूएनओ का पुराना नाम था LON। हाँ दोस्तों, यूएनओ का भी पुराना नाम है, यूएनओ के भी कोई पिताजी हैं जिनको हम पिताजी ही कहते हैं, और यूएनओ तो उनका पुत्र है। पुत्र कहने से रूप यूएनओ क्या है? उत्तराधिकारी है। क्या है? यूएनओ उसका उत्तराधिकारी है और एलओएन उसके क्या है? पिता है। देखा ना कॉम्बिनेशन। तो एलओएन की फुल फॉर्म क्या है? लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? लीग ऑफ नेशंस। और इसी को बाद में बदल के क्या कर दिया गया था? यूएनओ कर दिया गया था। तो एलओएन का गठन कब हुआ था? 1920 में एलओएन को बनाया गया, बाद में यूएनओ को बनाया गया। फिर अगर आपसे मैं ये पूछ लूं
कि यूएनओ के अंदर कितने देश हैं, तो यूएनओ के अंदर कितने देश है आज, आज वर्तमान समय में यूएनओ में 193 सदस्य देश हैं, और 193 वां सदस्य देश कौन सा है, तो 193 वां सदस्य देश है साउथ सूडान, जो अभी हाल फिलहाल में ही जुड़ा है, उससे इसकी संख्या बढ़कर हो गया 193। फिर यूएनओ के अंग कितने हैं, तो यूएनओ के जो अंग है वो मूल रूप से पहले 6 हुआ करते थे, बट आज अभी क्या है, इसके 5 ही अंग हैं। जब चैप्टर आएगा अंदर, हम जब डीप स्टडी करेंगे चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसके साथ स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कि यूएनओ में 5 कौन कौन से। अब यूएनओ का सबसे मुख्य चेहरा कौन होता है, मुख्य चेहरा होता है महासचिव। तो आज वर्तमान समय में महासचिव कौन है, तो वर्तमान समय में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। कौन है एंटोनियो गुटेरेस, क्या है आज के वर्तमान महासचिव है। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्या यूएनओ अकेले काम करता है वर्ल्ड के अंदर, नहीं, यूएनओ के साथ और भी छोटी 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 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिनका बस मैं आपको नाम बता देता हूं कि इनके साथ और कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। जैसे आप WTO को देखोगे, WHO को देखोगे, IMF को देखोगे, वर्ल्ड बैंक को देखोगे, तो ऐसे और भी छोटी छोटी काफी सारी संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्या करती, यूएनओ के साथ मिलकर काम करती। अब मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई यूएनओ का नीड क्या है, यूएनओ की जरूरत ही क्या है, तो देखो यूएनओ क्या है, एक बहुत बड़ा संगठन है विश्व स्तर पर। तो अगर विश्व के स्तर पर एक संगठन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएनओ के अंदर जितने भी देश शामिल है उनको एक क्या मिल जाता है, मंच मिल जाता है, जहां पर बैठ कर वो क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और विश्व का ध्यान किसी विशेष स्थिति की तरफ खींच सकते हैं। तो इसीलिए आज वर्ल्ड के अंदर अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में हमें किसकी जरूरत होती है, यूएनओ की जरूरत होती है। और साथ ही साथ लास्ट मैं आपको बस एक बात बताऊंगा, फिर इसके बाद जितने भी चैप्टर में पार्ट बनेंगे उसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक हम करेंगे। एक प्रश्न ये उभर कर आता है, कभी कभी निकल कर आता है कि आज वर्ल्ड के अंदर यूएनओ के अंदर काफी सारी क्या है, समस्याएं हैं, तो वो सारी समस्याओं को क्या हमें सुधारना चाहिए या नहीं सुधारना चाहिए। तो काफी सारे लोग प्रश्न पूछ लेते हैं कि अगर यूएनओ में सुधार कर सकते हैं तो कौन कौन से सुधार करें, तो चिंता मत करो, जब चैप्टर के अंदर हम घुसेंगे, इसके पार्ट 1, 2, 3, 4 जब हम बनेंगे तो हम क्या करेंगे, यूएनओ की समस्याएं भी पढ़ेंगे, इन संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में तो अभी मैंने आपको छोटा छोटा ही बात बताया, पूरा ब्रीफ करके पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको एक इंट्रो जरूर मिल गया है कि आखिरकार 6th चैप्टर के अंतरराष्ट्रीय संगठन में क्या है। आई होप आप सभी को बिल्कुल ये समझ में आया होगा। और एक बात जरूर दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे आज न्यू व्यूअर है या लिसनर है या हमारे चैनल से जो भी नया जुड़ा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लिए कि आप मैं वीडियो बना रहा हूं तो कर लो, नहीं, आप देखना कि स्टडी में अंतर है, आप अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ आपको बहुत अलग मिलेगा और यहाँ आपको सबसे अलग मिलेगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको पता ही है कि अब हम यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको इंस्टा और फेसबुक की जो आईडी है वो या चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ।